नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्ट अकाउंटेंट, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड एक नया डिस्कशन लेकर के। मुझे आज के लिए ऐसा लगा कि मैं आपसे गिफ्ट के टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, क्योंकि गिफ्ट यानी उपहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि गिफ्ट का टैक्सेशन होगा नहीं होगा, कौन सा गिफ्ट टैक्सेबल होगा कौन सा नहीं होगा, किस व्यक्ति से गिफ्ट लिया तो टैक्सेबल होगा, किस व्यक्ति से गिफ्ट नहीं लिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो यानी रादर गिफ्ट का टैक्सेशन के लिए किस व्यक्ति से गिफ्ट लेना है, किससे नहीं लेना, गिफ्ट लेने का तरीका क्या हो, तो जितनी भी मेरी प्रोफेशनल समझ है मैं आपके साथ उसे एक सरल तरीके से रखने की कोशिश करता हूं। आई होप आई विल बी एबल टू प्रोवाइड सम क्लैरिटी। देखिए सर, गिफ्ट लेना देना एक मानवीय स्वभाव है, आप इसको रोक नहीं सकते, ये चलेगा। और इनकम टैक्स एक्ट गिफ्ट को कैसे देखता है, वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट का सर गिफ्ट विषय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट तो एक प्रकार की कैपिटल रिसीट है और कैपिटल रिसीट को कैसे इनकम टैक्स लॉ कैप्चर कर रहा है। परंतु बहुत सारे लोगों ने सर मैनिपुलेशन करने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए, टैक्स इवेजन करने के लिए, पूंजी बनाने के लिए, हो सकता है सर अपनी दो नंबर की अमाउंट को एक नंबर करने के लिए किसी प्रकार से गिफ्ट लेने का कोई व्यवस्था करी हो, तो सरकार का ध्यान इस ओर गया और सरकार ने एनेबलिंग प्रोविजन बनाए सेक्शन 56 में जो गिफ्ट का टैक्सेशन करते हैं। और यदि आप मेरे आगे वाले डिस्कशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से गिफ्ट आ रहे हैं जा रहे हैं उनके ऊपर शायद इतनी गिफ्ट के लिए टैक्सेशन की कड़ी व्यवस्था लॉ में अब भी नहीं की गई है। खैर, मैं अपने विषय पर आता हूं सर दोबारा से कि गिफ्ट किस परिस्थिति में टैक्सेबल है। सेक्शन 56 ये कहता है कि यदि एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ, मैं पहले दो व्यक्तियों पर बात कर रहा हूं, हालांकि फाइनेंस एक्ट 2017 यानी असेसमेंट ईयर 2018-19 से गिफ्ट का स्कोप सभी व्यक्तियों के ऊपर लग गया, न केवल इंडिविजुअल एचयूएफ पर, परंतु मैं एक बार के लिए अपने डिस्कशन को केवल इंडिविजुअल एचयूएफ यानी एक व्यष्टि और एक हिंदू अविभाजित परिवार के डिस्कशन तक लेकर के आ रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो कि एक इंडिविजुअल है वो गिफ्ट रिसीव करता है और ऐसा गिफ्ट अलग अलग प्रकार की संपत्ति के रूप में हो सकता है, जैसे सबसे सरल उदाहरण है नकद इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ बैंक चेक, इन फॉर्म ऑफ डीडी, इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टू योर अकाउंट यू आर रिसीविंग अ गिफ्ट, और यू आर रिसीविंग ज्वेलरी, बुलियन, आर्टवर्क, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, और यू माइट बी रिसीविंग द शेयर्स और सिक्योरिटीज, और यू माइट बी रिसीविंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन गिफ्ट। ये जितनी भी एसेट्स मैंने आपके सामने रखी सर, इनको स्पष्ट रूप से सेक्शन 56 में लिखा गया है, इनको परिभाषित किया गया है, यानी जिन एसेट्स का नाम मैंने आपके सामने रखा यदि वो आप गिफ्ट के रूप में लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में टैक्सेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं है तो मुझसे किसी ने पूछा, भाटिया जी मैं अपने मित्र से कार गिफ्ट में ले लेता हूं, क्या मुझे टैक्सेशन आ जाएगा क्या? मेरी बड़ी स्पष्ट राय है सर, कार क्योंकि मेरे द्वारा कही गई लिस्ट, रादर आप मेरी लिस्ट पर ना जाएं, आप सेक्शन 56 को देखें, क्योंकि सेक्शन 56 की लिस्ट में प्लांट एंड मशीनरी शामिल नहीं है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर शामिल नहीं है। यदि आप उन्हें गिफ्ट के रूप में लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट यू मैनिपुलेट, आई एम सेइंग मे बी किसी परिस्थिति में किसी नॉन रिलेटेड पर्सन से ऐसी संपत्तियां मिली हों, तो इस प्रकार की संपत्तियों का रिसीव होने पर कोई टैक्सेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 आज की डेट में तो नहीं लेकर के आता। अब जो संपत्तियां मैंने कही उनमें भी सरकार ने एक लिमिट लगा रखी है, आप कैश 50,000 रुपए तक ले, सभी व्यक्तियों से कुल मिलाकर के यदि आपका कैश या मैं बोलूं बैंक खाते में आए ट्रांसफर यदि 50,000 से ऊपर जाते हैं कुल मिलाकर के, तो ऐसी पूर्ण राशि, यानी मेरे चार मित्रों ने मेरे को एक साल में 25,000 चार जनों ने मिलकर के दे दिए, मुझे एक साल में टोटल 1,00,000 रुपए रिसीव हो गया। सर ये 1,00,000 रुपए निश्चित रूप से मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में टैक्सेबल है। ऐसे ही सर इमोबल प्रॉपर्टी पर यदि मैं आऊं, इमोबल प्रॉपर्टी में हम दो तरीके से बात करते हैं, आपने कोई संपत्ति खरीदी, वो संपत्ति सर आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर रजिस्ट्री कराई, जैसे 10,00,000 रुपए की संपत्ति मैंने किसी से मात्र 8,50,000 में खरीद ली, मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात कर रहा हूं। यदि मैंने 10,00,000 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की चीज 8,50,000 रुपए में इमोबल प्रॉपर्टी के रूप में ली है, 1,50,000 रुपए मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा।
अब आता हूं सर, यदि इमोबल प्रॉपर्टी उभार में ही मिल गई तो सर पूरी की पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होने वाली। इसी प्रकार से सर ज्वेलरी, बुलियन, स्कल्पचर्स, आर्टवर्क, पेंटिंग और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, यदि ये निःशुल्क मिल रही हैं तो इनकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगी रिसिपिएंट के हाथ में। और यदि ये निःशुल्क नहीं मिली है, कुछ प्राइस आपने पे किया है परंतु आपके द्वारा पे किया गया प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि ये डिफरेंस साल भर का 50,000 से ज्यादा का है तो फिर आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्सेशन आएगा। तो सर ये एक जो बात मैंने रखी, मैं इसे समराइज दोबारा करने की कोशिश करता हूं। क्या क्या चीजें कवर्ड हैं? कैश इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कैश, इन फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट क्रेडिट और इमोबल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड एनी अदर स्पेसिफाइड एसेट। आई एम यूजिंग द टर्म स्पेसिफाइड एसेट विच में इंक्लूड ज्वेलरी, बुलियन, ठीक है, इट वुड इंक्लूड आर्ट वर्क, पेंटिंग, स्कल्पचर, वुड इंक्लूड द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब एक और बात जोड़ रहा हूं सर, विच इज रिसीव बाय द असेसी एज कैपिटल एसेट। इसका मतलब क्या है सर? जो मेरे सीए भाई हैं जिन्हें टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा ज्ञान है, वो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे मैं क्या ज्ञान यहां पर व्याख्या लाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आप इन संपत्तियों को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रिसीव करते हैं तो आपके हाथ में फिर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 या क्लॉज 10 का टैक्सेशन नहीं है। परंतु जब आप उनको एज कैपिटल एसेट रिसीव कर रहे हैं तो आपके हाथ में निश्चित रूप से टैक्सेशन आएगा। ठीक है, अब सर मैं जरा सा उस विषय में भी डील कर लूं कि किस परिस्थिति में गिफ्ट का टैक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सर हम सब के लिए एक बड़ा क्यूरियस पॉइंट है कि कब नहीं होगा। तो लॉ ने सर कुछ एक्सेप्शंस बोली हैं कि इन इन परिस्थितियों में आपके हाथ में 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 या क्लॉज 10 में टैक्सेशन नहीं आएगा। नंबर वन, व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव, जब आप किसी रिश्तेदार से, ध्यान दीजिएगा सर, रिश्तेदार में हर प्रकार का रिश्तेदार शामिल होता है, मैं ये नहीं कह सकता, हालांकि The term relative has been defined under section 56 subsection 2 clause 7 comprehensively, लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार हैं सर जो उस परिभाषा में शामिल नहीं है। तो आपको सर गिफ्ट लेते समय, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने मेरे कजन से 1,00,000 रुपए चेक से गिफ्ट के रूप में ले लिए। सर माय कजन इज नॉट माय रिलेटिव इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड देयरफॉर पॉसिबली दैट 1,00,000 रुपीज वुड बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स। सो मेरा सजेशन क्या है सर, आपको रिलेटिव की परिभाषा पर जाना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि क्या संबंधित व्यक्ति रिलेटिव की परिभाषा में कवर्ड है या नहीं है। यदि वो कवर्ड है तो आप उससे गिफ्ट ले लीजिए, दिक्कत नहीं है। और यदि कवर्ड नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको इनकम टैक्स के पर्पजेस से उस अमाउंट पर टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सर गवर्नमेंट ने कुछ और एक्सेप्शन क्रिएट किए हैं। ये एक्सेप्शन क्या है सर, यदि किसी व्यक्ति को मैरिज के इवेंट पर यानी विवाहोत्सव पर कोई गिफ्ट मिलता है तो उसके लिए सर टैक्सेशन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से हमें इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ गिफ्ट मिलता है, यानी उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और वो हमारे को कोई गिफ्ट कर देता है, मृत्यु वास्तविक रूप से हो नहीं हो वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो भी गिफ्ट आएगा वो भी टैक्सेबल नहीं है। इसी प्रकार से सर विल एक महत्वपूर्ण ट्रांसफर है। यदि विल के थ्रू किसी व्यक्ति को संपत्ति आती है, चाहे वो नॉन रिलेटिव से क्यों ना आ जाए, कोई टैक्सेशन विल के रिसिपिएंट के हाथ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से सर लॉ ने कुछ और एक्सेप्शंस भी क्रिएट किए हैं, जैसे चैरिटेबल संस्थाएं, लोकल अथॉरिटीज, इनसे मिलने वाले गिफ्ट का भी टैक्सेशन नहीं होता। परंतु मैं आपको फिर यहां पर भी ये कहूंगा सर, आप विस्तृत व्याख्या के लिए निश्चित रूप से 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 या 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो नई व्यवस्था है उसको देखें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इस परिस्थिति में तो मेरा गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है और बाकी की परिस्थितियों में मेरा गिफ्ट टैक्सेबल है। तो सर हमारे को जब भी हम गिफ्ट ले रहे हैं, इसका मतलब यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस व्यक्ति से गिफ्ट ले रहा हूं, मैं किस परिस्थिति में गिफ्ट ले रहा हूं और मैं क्या वस्तु या क्या संपत्ति गिफ्ट ले रहा हूं। यदि मैंने इन तीन बातों का ध्यान रखा है तो मुझे लगता है सर कि मैं डे वन पर क्लियर होऊंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट पर टैक्स देना है या नहीं देना। यदि मुझे टैक्स देना है तो ओके, आई शुड पे द टैक्स अकॉर्डिंगली, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यदि मुझे लगता है कि साहब टैक्स देना है नहीं देना, आई मीन अ फिक्स, अनलेस आई हैव अ क्लैरिटी, आई विल बी एंडिंग अप डूइंग टैक्स अवॉइडेंस एंड लेटर आई विल बी इनटू द टैक्स ट्रैप।
सो मेरा सर लगातार यही सजेशन रहता है, मैं लोगों को इस प्रकार से प्रेरित करने की कोशिश करता हूं, सर आपका जो टैक्स बनता है प्रॉपरली दीजिए, बी इन रेस्ट। गलत छलत तरीकों से टैक्स बचाना ये वास्तविक रूप में सर हमारा देश के प्रति भी कोई सही व्यवहार नहीं है। हमारा जो टैक्स बनता है वो हम टैक्स देवें, चिंता मुक्त हम भी रहें, सरकार को भी सर जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमसे मिलना है क्योंकि वो तो सरकार का पैसा है, देना बनता है, देना चाहिए। शायद यही व्यवस्था सर अगर हम सब सही तरीके से फॉलोअप कर पाए तो हमारे को किसी प्रकार के बर्डन की, किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं रहे। खैर मैं सर आदर्शवादी लगता जरूर हूं, लेकिन मैं आपको नहीं कहता कि आप मेरे आदर्शों को ऐसे फॉलो करिए, परंतु सर गिफ्ट के टैक्सेशन को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यहां पर हमसे जो गलतियां होती हैं वो सर हमारे को जनरली 6 साल बाद जब रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग खुलती है, असेसमेंट प्रोसीडिंग खुलती है, तब इस प्रकार की एंट्रियां असेसी लोगों को बहुत परेशान करती है। वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो सर मैं इसी पर्टिकुलर डिस्कशन के साथ आज के अपने डिस्कशन को विराम देता हूं एंड आई विल ट्राई, अगर आपकी कोई क्वेरी होंगी तो मैं उनको शांत करने की कोशिश करूंगा, और यदि इसी विषय पर मुझे लगा कि कुछ और मुझे आपके सामने लाना चाहिए तो मैं आने वाले समय में आपके समक्ष वो भी डिस्कशन करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।